मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हाल ही में हमें संयुक्त राज्य अमेरिका से कुछ निर्वासन हुआ था। प्रवासन और गतिशीलता पर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हमारी नियमित बातचीत होती है और इसके पीछे का विचार कानूनी प्रवासन के लिए और अधिक रास्ते बनाना है। इसके एक भाग के रूप में हमारी नियमित काउंसलर वार्ता और व्यवस्था, हमने उन लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाया है जो अवैध रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहे हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत बीजेपी पर निशाना साधती नजर आई। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि पिछले 10 साल से इस देश ने सिर्फ जुमला सहा है, सिर्फ और सिर्फ फर्जीवाड़ा सहा है। 2 करोड़ रोजगार सालाना बनने वाले थे, 15 लाख रुपए सबके बैंक के खाते में आने वाले थे, रुपए और डॉलर का मूल्य एक होने वाला था। ये सारे जुमले नरेंद्र मोदी के चलते इस देश ने सहे हैं। उत्तराखंड सरकार स्वरोजगार पर विशेष ध्यान दे रही है और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए सफल उद्यमियों से सुझाव लेने जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पलायन निवारण आयोग 13 नवंबर को ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में मरांडीसैंण स्थित विधानसभा परिसर में उद्यमियों से संवाद कार्यक्रम आयोजित करेगा। इस कार्यक्रम में राज्य के लगभग 200 सफल उद्यमी भाग लेंगे, जिनमें स्वयं सहायता समूह से जुड़ी लखपति दीदी भी शामिल होंगी। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने कहा कि राहुल गांधी और खड़गे जी जो गारंटी देते हैं तो उनको लागू होने की भी गारंटी होनी चाहिए। कांग्रेस ने हिमाचल में कहा था कि बहनों को 1500 रुपए हर महीने देंगे, लेकिन आज तक किसी को कुछ नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बुढ़ापा पेंशन शुरू करने की बात कही थी, लेकिन आज कांग्रेस के पास लोगों को तनख्वाह देने तक के लिए पैसे नहीं है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है। सीएम ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की है। अनकापल्ली जिले के चिंतलागौर इलेवे निपालम गांव से राज्यव्यापी अभियान की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने खुद एक गड्ढे को मोटार से भरकर उसकी मरम्मत की है। सड़कों की समस्या को देखते हुए अभियान शुरू किया गया है। हरियाणा सरकार के स्टिल प्लस 4 मंजिला इमारत बनाने के फैसले को पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक और अन्य याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि यह फैसला बिना किसी वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग अध्ययन के लिया गया है और इससे होने वाले नुकसान के लिए मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है। हाई कोर्ट इस मामले पर 11 नवंबर को सुनवाई करेगा। चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी नहीं है, राज्य सरकार से राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत मांगी गई जानकारी में ये जवाब दिया गया है। पूर्व आईएएस अधिकारी और केएस राजुलिंगम ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर राजू ने कहा कि सरकार की ओर से चंडीगढ़ को पंजाब की राजधानी घोषित करने संबंधित कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई और उनके पास ऐसा कोई आधिकारिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है जो साफ करता हो कि चंडीगढ़ ही पंजाब की राजधानी है। हरियाणा कांग्रेस में विधानसभा चुनाव के बाद से ही खींचतान जारी है। विधायक दल के नेता और प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए लॉबिंग तेज हो गई है। कुमारी शैलजा को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट इसका विरोध कर रहा है। 8 नवंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, इससे पहले इन पदों पर नियुक्ति की उम्मीद है। भाई दूज के अवसर पर लखीमपुर जेल प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की है। इस साल केवल महिलाओं को और उनके साथ 7 साल तक के बच्चों को ही जेल में बंद अपने भाइयों से मिलने की अनुमति होगी। पुरुषों को इस दिन मुलाकात करने की अनुमति नहीं होगी। महिलाओं को अपना आधार कार्ड लाना होगा। जेल में सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मुलाकात का समय रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ट्वीट कर कांग्रेस पार्टी पर लगाए गए आरोपों के मुद्दे पर आरजेडी नेता मनोज झा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें ऐसे बयानों से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में कैसे बड़े लोगों के करोड़ों रुपए माफ होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह गारंटी बहुत पुख्ता है। उन्होंने कहा कि विशाल हृदय रखकर उन्हें देश के प्रधानमंत्री की तरह सोचना चाहिए।